हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, चार इक्वेशन ऑफ मोशंस हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर में। अगर गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम अप्लाई करते हैं s = vt, और अगर एक्सेलेरेशन है तो v = u + at, s = ut + it² v² - u² 2as। इनको प्रूव करना है दो तरीकों से। पहला, ग्राफ से। चारों इक्वेशन ग्राफिकली प्रूव करो। ये शायद 9th क्लास के अंदर भी कुछ ऐसा कुछ होता था, लेकिन +1 में जो आता है वो आता है ग्राफिकल कैलकुलस मेथड से। आपके पेपर में कैलकुलस 100% आएगा। कैलकुलस मेथड नेक्स्ट टाइम करना है, आज सिर्फ ग्राफिकल करेंगे। 5 मिनट में हो जाएगा क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। देखो, सबसे पहले क्या प्रूव करना है, s = vt बाय ग्राफिकल मेथड। ये एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ आज के लेक्चर में। ये मान लो ओरिजन है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। तो xt ग्राफ मैंने प्लॉट करना सिखाया कि जब ये बॉडी यहाँ पे थी तो टाइम 0 पे कोऑर्डिनेट x1 है, टाइम t पे कोऑर्डिनेट x2 है। तो आप इसके अगर स्लोप निकालें तो क्या आएगी, x2 - x1 / t2 - t1। ये हमने किया, और x2 - x1 को क्या लिख सकते हैं, s। तो एक लाइन लिखें, स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी। स्लोप की वैल्यू बोलो इसमें क्या है, x2 - x1 / t2 - t1 लिख लिया। इसमें x2 - x1 क्या है, s, t2 क्या है, t1 क्या है, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, s = vt, डन। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है v = u + at, ये हमने कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी u मान लें, फाइनल v मान लें। u टाइम 0 पे है, टाइम t पे वेलोसिटी v है। तो इसका vt ग्राफ प्लॉट कर लें जो आज हमने यूज किया था। यहां पे टाइम 0 पे वेलोसिटी u है, टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो u और v क्लियर है। और ये ग्राफ बनाया था, इस ग्राफ में जो ड्रॉ किया था इसकी स्लोप निकलवाई थी मैंने, क्या थी, v - u / t - 0 is t। तो यहां पर एक्सेलेरेशन क्या है, v - u / t, लेकिन स्लोप वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, स्लोप क्या है, एक्सेलेरेशन, क्योंकि हमने किया था स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या, एक्सेलेरेशन। स्लोप क्या है, v - u / t, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है s = ut + ½at² ग्राफ को कोई चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल vt ग्राफ सेम प्लॉट करना है, vt ग्राफ सेम, एवरीथिंग इज सेम। क्या निकालना है, s, vt ग्राफ का एरिया क्या देगा, s, vt ग्राफ का एरिया s। तो इसका एरिया, शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया बोलो क्या होगा, u into t, ट्राइंगल का एरिया ½ ac × bc। तो देखो, रेक्टेंगल का u into t, ट्राइंगल का ½ ac × bc, लिख दिया। इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या देगी आपको, vt ग्राफ है, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, bc / ac। तो लिख लें, एक्सेलेरेशन इज bc / ac, लेकिन इसके अंदर ac की वैल्यू क्या है, t, तो bc / t, क्रॉस मल्टीप्लाई करके bc क्या आएगा, at। तो ये हमने निकाल लिया था एरिया। इस एरिया में ac की जगह क्या पुट कर सकते हैं, t * bc। इस bc की जगह पुट करेंगे at, इस bc की जगह at, तो s = ut + ½at² सही। कोई डाउट इसमें, v² - u² 2as फिगर कौन बनाएगा। मैंने कहा यार सेम फिगर लिख देना, तुम पेपर में मत लिखना, सेम फिगर एज अबव करके तुम्हें पेपर में ड्रॉ करनी है अगर आ जाए तो। वैसे तो कैलकुलस ही आएगा, मुझे भी पता है, बट फिर भी इमरजेंसी, पता लगे टीचर कहे कि अच्छा बड़े सियाने हैं, कैलकुलस तो करके आया, मैं ग्राफिकल डालता हूँ, फिर क्या करोगे, तो करवाना सारा पड़ेगा ही। तो इसमें आप क्या करें, v² - u² 2as में फिर से एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ vt ग्राफ आपको क्या देगा, ध्यान आ गए, एरिया ऑफ vt ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक काम करो, इस बार एरिया निकालो, एरिया की वैल्यू निकालो, s = area of trapezium। ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, ½ into sum of parallel sides u + v into डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस क्या है, ac, निकल गया एरिया।
एक स्टेप कर देना, इस ट्राइंगल में एक्सेलरेशन क्या है, इसकी स्लोप, स्लोप क्या है, बी सी, बी सी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू, तो वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए सी, क्लियर है ना, वी माइनस यू बाई ए सी, ठीक। तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, क्लियर है। इसको यहां पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, एस इज इक्वल टू हाफ इन टू वी प्लस यू, और ए सी की जगह वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, ए टू इधर से मल्टीप्लाई करो तो टू ए एस, वी प्लस यू इन टू वी माइनस यू, वी स्क्वायर माइनस टू हो गया, ठीक। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू ए सी, साइड पे लिख दिया, स्लोप क्या है, वी माई बी सी बाई ए सी, ए सी क्या है, बी सी बाई ए, यानी कि वी माइनस यू बाई ए। इसे उठा के यहाँ पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया।